जब्रू अरमान से पूछते हैं कि जो तुमने अपनी फैमिली के सामने बात बताई है वो सच है या झूठ है, तो अरमान कहता है कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं किसी की मौत की झूठी खबर फैला हुआ। तो रूही कहती है कि मुझे पता है तुम कितने गिरे हुए हो, और उधर मुंह दिखाई की रस्म की बात हो रही होती है। तो राधिशाह कहते हैं कि हम मुँह दिखाई केवल रूही की ही करेंगे, और अरमान की माँ कहती है कि हम रूही के साथ साथ अबीरा की मुँह दिखाई कर देते हैं। लेकिन राधिशाह गुस्से में आकर कहती है कि हम अबीरा को इस घर से इतनी दूर भेजें फेंक देंगे कि उसकी सोच भी इस घर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या दादी साहब कभी अबीरा को बहू के रूप में स्वीकार